हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, सॉरी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो एज प्रॉमिस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, की आज की वीडियो में हम आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ बहुत ही इसेंशियल लेडीज लॉन्जरी इनर वियर। तो वो इनर वियर क्या है हम आप लोगों को बता रहे हैं, या बिल्कुल अंडर गार्मेंट नहीं है, बिकॉज जनरली वही होता है पेटीकोट अंडर गार्मेंट्स, बट ये अंडर गार्मेंट के भी अंदर पहनने का है। या तो चलिए पहले सस्पेंस हटाते हैं, आई टेल यू व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। एंड दिस इज निपल सिलिकॉन पैड। निपल सिलिकॉन पैड इस तरह से आप लोग पिक्चर में देखिए, इस तरह से ये पहनने का है। इसके पैक के पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, दिस इज मेड इन चाइना। एंड चलिए इसके बारे फटाफट बताते हैं कि व्हाट इज इट, ये हम लोग कैसे पहने, क्यों पहने, किस सीजन में पहने और किस तरह से। तो दिस इज इट, इसकी कॉस्ट है। तो इसकी कॉस्ट मुझे ना बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसमें एक्चुअली लिखा नहीं है एंड यहाँ पे मिट गया है कॉस्ट। तो आई थिंक जब हम खरीदे थे तो इट वॉज फॉर 450 रुपीज। तो चलिए देखते फटाफट ये है क्या, किसी भी लॉन्जरी के शॉप में मिलेगा। एंड दिस इज सिलिकॉन निपल पैड, ये इस तरह से आता है। या नाउ दिस इज क्लियर स्किन कलर में है। इसे पहना जाता है विंटर में, क्या होता है ना कि सिंस बहुत ठंडी होती है तो हमारे निपल्स विजिबल हो जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस, बहुत ऑड लगता है, रियली इतना ऑड लगता है ना, तो समझ में नहीं आता है कैसे उसे हाइड करें एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से हम लोग क्या, हम लेडीज क्या करते हैं कि जनरली बहुत काइंड ऑफ ड्रेसेस पहनते नहीं है, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली विजिबल। तो सलवार सूट साड़ी वगैरह पहन करके हाइड कर लेते हैं, या स्वेटर पहनते हैं, बट समटाइम्स स्वेटर में भी इट इज विजिबल। तो उसे हाइड करने के लिए दिस सिलिकॉन निपल पैड रियली वर्क्स। तो हम आप लोगों को खोल कर दिखाते हैं, दिस इज इट। ये देखिए, ये बिल्कुल स्किन कलर का होता है। गिर गया, या दिस इज इट, बिल्कुल स्किन कलर का होता है। एक इस तरह से है, ये एकदम सॉफ्ट है, वो सिलिकॉन का नहीं होता है, सिलिकॉन लाइक मटेरियल। आप लोग स्पेलिंग भी देखिए, सिलिकॉन एन है ना, ओ एन ई है ना, ऐसे देखिए है ना। तो दिस इज नॉट एक्चुअली जो रियल सिलिकॉन है वो नहीं है, सिलिकॉन लाइक मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। एंड नाउ ये देखिए, ये इसमें इस तरह के प्लास्टिक में कवर्ड रहता है, ये प्लास्टिक हम निकालते हैं, ये देखिए इस तरह से। एंड इसके अंदर होता है स्टिकी मटेरियल, तो आप ये प्लास्टिक हटा करके अपने निपल के ऊपर पहन लीजिए, स्टिक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड उसके ऊपर आप ब्रा पहन लीजिए, तो व्हाट हैपेंस कि अपने जगह में रहता है एंड विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, नो विजिबिलिटी एट ऑल। आप ये पहन लीजिए, अपने दोनों निपल के ऊपर पहन लीजिए, एंड देन यू कैन वियर एनी काइंड ऑफ ड्रेस। आप टाइट टी शर्ट पहनिए, एनी काइंड ऑफ ड्रेस, विजिबिलिटी इज एकदम बिल्कुल नहीं विजिबिलिटी होगा। एंड यू विल बी मोर कम्फर्टेबल, आपके सामने वाले भी कम्फर्टेबल रहेंगे, नहीं तो अगर जब इफ इट इज विजिबल तो सबको अनकम्फर्टेबल हो जाता, खुद को तो पता चलता ही है कि यार समथिंग अनयूजुअल इन आवर बॉडी। तो चलिए इसे हाइड करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये इसकी इस तरह से आप प्लास्टिक हटा करके आप लगाइए, एंड स्टिकी मटेरियल इज वेरी हाइजीनिक, ये बहुत हाइजीनिक होता है, जनरली एलर्जीज होते नहीं है, लेकिन अगर या बहुत लोगों में होता है कि दे आर एलर्जिक टू समथिंग, या बहुत लेडीज कंफर्टेबल नहीं होती कि कुछ भी केमिकल हमारे बॉडी में लगे, लाइक मी, हम भी ना व्हाट आई डू ना, हम भी ये प्लास्टिक लगा, प्लास्टिक हटा के नहीं लगा, तो व्हाट आई डू ना कि अलॉन्ग विथ प्लास्टिक पहन लेते हैं एंड उसके ऊपर ब्रा पहन लेते हैं। तो व्हाट हैपेंस कि सिंस ब्रा टाइट रहता है ना, तो ये बिल्कुल अपने जगह से नहीं हिलता है, एंड यू आर फ्री, एंड कोई आपको टेंशन नहीं है, कुछ भी कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, यू आर कंफर्टेबल, योर कोलीग्स आर कंफर्टेबल, पीपल अराउंड यू आर कंफर्टेबल। अपनी मर्जी की ड्रेस पहनिए और जस्ट इंजॉय कीजिए एंड बी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। या एंड ये सब अगर आप लोग एसी एनवायरमेंट में काम करें, जहाँ आपकी ऑफिस एसी एनवायरमेंट में रहता है, तो वहां तो बिल्कुल ही विजिबल होगा ही विंटर में। आप इसे बिंदास पहनिए, बहुत ही अच्छा है, किसी भी लॉन्जरी के शॉप में ये मिल जाता है। कलर है, ये साइजेस जनरली एक स्टैंडर्ड साइज में आता है, आई थिंक दिस मच निपल कवर करने के लिए दिस साइज इज एनफ, नो मैटर आपकी साइज क्या है, बट निपल साइज के लिए वॉट एवर साइज यू हैव दिस इज एनफ टू कवर। तो आप विथ प्लास्टिक पहन लीजिए, अगर एंड या दो तीन बार पहन करके आप इसे बिंदास वॉश कीजिए,
सॉफ्ट डिटर्जेंट से कीजिएगा जनरली, तो जनरली शैम्पू से आप कर सकती हैं, शैम्पू बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो जनरली एक्चुअली हम उसी से करते हैं। तो सर्फ वगैरह में क्या है ना, हीरो नो इतना सॉफ्ट मटेरियल है तो थोड़ी सी प्रिकॉशन होनी चाहिए। तो आप इसे प्लास्टिक हटा लीजिए, प्लास्टिक हटा के सेफ जगह में रख लीजिए, आगे एंड पीछे दोनों की प्लास्टिक हटाइए इस तरह से, इधर की भी प्लास्टिक हटाइए, फ्रंट से भी प्लास्टिक हटाइए, इधर से भी प्लास्टिक हटाइए, प्लास्टिक रख दीजिए, इसे वॉश कीजिए, ड्राई पेपर या नैपकिन के ऊपर ड्राई कीजिएगा एयर में या नेचुरल एयर में, धूप में नहीं रखिएगा, बाहर धूप में नहीं रखिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड यू नेवर नो कि अगर धूप में डालेंगे तो फिर हार्ड हो जाएगा, फिर हार्ड चीज पहनने में अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो घर के अंदर इसे ड्राई कीजिए, इजीली ड्राई हो जाता है। और ये जो स्टिकी मटेरियल है ना, ये वाली जो स्टिकी मटेरियल है, व्हाट हैपेंस कि वॉश करने के बाद लगेगा कि ये डिसअपियर हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया, बट जब ये ड्राई होगा ना, ये पैड जब ड्राई होगा ना, तो अगेन द स्टिकीनेस विल री अपियर, ये फिर पता नहीं कहाँ से आ जाता है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ये केमिकल स्टिक है। एंड बिल्कुल एलर्जीज नहीं हो सकते हैं, आप इसे बिंदास लगाइए, यूज इट एवरी डे एवरी डे एवरी डे। और ये किसी भी लॉन्जरी के शॉप में मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, इजीली अवेलेबल, अगर आप रिमोट एरिया में रहती हैं जहाँ पे प्रॉब्ली नहीं मिलता होगा आई गेस, लेकिन नाउ इट इज मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो नो प्रॉब्लम, आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए। या प्राइस वैरी करता है, यू नो प्राइस वैरी समटाइम्स फ्रॉम 250 टू 300 400 500 1000 1500, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑल्सो, या इसके भी डिफरेंट क्वालिटीज आते हैं। तो हम जो लिए थे इट वॉज फॉर 450 एंड ये हम बॉम्बे में लिए थे, एंड उसके बाद बहुत जब भी हम जाते थे विंटर के समय में, आई इसे हम रेगुलर यूज करते हैं, बाहर जाते हैं तो रेगुलर यूज करते हैं, दो एक बार यूज करने के बाद सिंपली वॉश इट ऑफ, ड्राई करते हैं, और जब स्टिकीनेस वापस आ जाता है तो अगेन ये प्लास्टिक लगा दीजिए, प्लास्टिक भी वॉश कीजिए अच्छे से, एकदम सॉफ्ट प्लास्टिक को वॉश कीजिएगा कि इस शैम्पू की सॉल्यूशन बना के प्लास्टिक डाल दीजिएगा, हल्के हाथों से रगड़ करके सिर्फ क्लीन पानी में से डिप करके अगेन उसे भी ड्राई टॉवल या टिश्यू पेपर में ड्राई कीजिए। वंस स्टिकीनेस अपियर हो जाता है, प्लास्टिक लगाइए, विद प्लास्टिक और विदाउट प्लास्टिक पहनिए, एंड मेक योर विंटर वेरी कंफर्टेबल, बी कॉन्फिडेंट, वेयर इट एवरी डे, गो ऑफिस, गो एनी वेयर, एंड या इसे आप अच्छे से रखिए, और बी कॉन्फिडेंट, फील फ्री एंड एंजॉय सिलिकन निपल पैड। तो यही वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे, एक दो व्लॉगिंग में हम शेयर किए, बट उस समय हम किए थे जब विंटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तब हम किए थे, देन आई थॉट कि नहीं नहीं इस बार तो जस्ट ऑनसेट ऑफ विंटर है, विंटर स्टार्ट होने वाला है, दिस इज October 1st week ना, तो October 1st week इज चलिए बहुत जगह विंटर आ जाती है, ऑल द कोस्टल एरियाज में तो नहीं आती है, तो ये लगाइए, ये पहनिए, खरीदिए, बिल्कुल खरीदेगा, सभी लेडीज के लिए बहुत ही इसेंशियल है, देयर इज नथिंग टू शाई आउट बिकॉज दिस इज आवर बॉडी, और बिल्कुल शाई करने की जरूरत नहीं है, वाई टू फील शाई, बी फील फ्री एंड कॉन्फिडेंट, यू नो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि यू आर ओके। या एंड या अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, देयर इज नथिंग टू शाई आउट, अगर आपके पास है तो सो एंड सो गुड, एंड अगर आपके पास आपकी कोई फ्रेंड है, कोई लेडी है जिनको हु इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू, एकदम उन्हें बिंदास बताइए, शेयर कीजिए ये वीडियो, और यानी तो आप बताइए कि ये मिलता है, प्रॉब्ली यू आर यूजिंग इट, तो उसे भी हेल्प हो जाएगा, है ना। दैट्स ऑल, बस ये शेयर करना चाहते थे, एंड आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, एंड या अपने मेरे एक्सक्यूज मी, बोलते यू ना ड्राई हो रहा है, और कोई भी हम स्क्रिप्ट लिखे नहीं है, वॉट एवर जो मेरी एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए हम थोड़ी सी पॉइंट वाइज हम नहीं बोल रहे हैं, कभी ये पॉइंट बोल रहे हैं, वो पॉइंट बोल रहे हैं, जैसे जैसे मेरे माइंड में आ रहे हैं ना, बट देन एवरीथिंग आई हैव ट्राई टू कवर कि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज आप यहाँ पे भी पीछे भी सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, एंड दिस इज रियली वेरी नाइस। तो चलिए वीडियो अब यहीं एंड करते, लंबा नहीं करेंगे वीडियो, एंड लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स अगर आपने दिया है, व्हाट वाज एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू लाइक इट, एंड मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।